आज की जो सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट वन, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपका यही होता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं जो फार्मूला मैंने आपसे बोला मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना 100। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। यानी इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज यानी क्या कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट एस आई लिख सकते हैं। एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करें, इसी फार्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पता आपको, यहाँ पे ये जो क्या है मूलधन है यानी क्या दिया गया, पी दिया गया, और यहाँ पे क्या दी गई है, रेट दी गई मीन दर दी गई, और टाइम कितना दिया है यहाँ से 2 वर्ष दिया गया। तो पूछा कि आपसे एस आई का मान पूछा है, तो इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से कर लीजिए, एस आई इक्वल टू मूलधन आपको पता है कितना, ये 4000 चार हो जाएगा, और यहां से दर कितनी दी गई है 10%, और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन करें और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 00 से इसका ये 00 कट गया, अब इन दोनों का गुणा करके कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो बचे हैं, आप इसके सामने 2 जीरो आप लगा दीजिए, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 800 रुपये ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। ऊपर मैंने फार्मूला आपको बता दिया, उसी फार्मूले के सहायता से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपसे पूछा क्या, साधारण ब्याज पूछा है यानी एस आई का मान आपसे पूछा गया, तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे आपको मूलधन पता है कितना, ये 2500 रुपए, पी का मान आपको पता है, और यहाँ से आर का भी मान पता है कितना है 4%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, अब इन दोनों का गुणा करके कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा, 100 आपको मिलेगा। 100 का क्या करना, आपको 3 में गुणा करना, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 300 रुपये मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 300 रुपये ब्याज बनेगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और इसमें आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, ब्याज की दर पूछा गया। तो फार्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, एस आई इक्वल टू क्या लिखवाया था आपको, ई आर टी अपॉन 100। अब इसमें क्या पूछा आपसे, दर आपसे पूछे यानी आर का मान आपसे पूछा गया, और सारी वैल्यू आपको पता है, तो इस फार्मूले रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एस आई का मान कितना दिए, 5400 रुपए दिया गया, और इक्वल टू मूलधन कितना है, 15000। मूलधन कितना है, 15000 रुपए है, और दर का मान हमसे पूछे नहीं, आर का मान पूछा है, टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा 100। अब करने के इन सभी के कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 00 से इसका ये 00 कट गया, और 10 से ये कट गया, इतना क्लियर है। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 2 इधर गया, 3 बटे कितना हो गया, 24 हो गया। आप करने के 15 से आप इसको डिवाइड कर दिए, तो 15 एकम 15 हो गया, और 3 इधर गया 15 कितना हो गया, 30 हो गया। यानी आप बता सकते हैं दर आपको कितनी पता चली, 12% वार्षिक दर, कितनी पता चली आपको, 12% वार्षिक। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में अपने कॉपी में लिख लिए, ठीक है। जो भी समय दिया रहेगा आपको करना है कि उसे वर्ष में कन्वर्ट करना, आप अपने कॉपी में लिख लिए नोट में, जो भी समय दिया रहेगा आपको करने के उसे वर्ष में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे देखिए माह में है, इसे क्या करना आपको, वर्ष में कन्वर्ट करना। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं,
तो इसमें क्या करिए, 12 से भाग दे दीजिए। 8 में क्या करना है आपको, 12 से भाग दे दीजिए। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, वर्ष में कन्वर्ट। अब देखिए आपको क्या पता है, मूलधन पता है, दर पता है, और क्या पता है आपको, समय पता है। पूछा क्या आपसे, ब्याज आपसे पूछा गया। तो आप यहां से कर लीजिए, SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कितना दिया गया 6000, पी का मान दिया गया और दर का मान दिया गया यानी आर का मान दिया गया, टाइम कितना ये 8/12, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 6 दुना कितना हो गया 12 हो गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 4 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा 6 चौको 24। देखिए 0 भी बचा है, आप बता सकते हैं कितना रुपये ब्याज बनेगा, 224 रुपये ब्याज। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, जो भी समय दिया रहेगा उससे क्या करना आपको, वर्ष में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, 4000 रुपये पर 18 माह का 12% वार्षिक के हिसाब से कितना ब्याज होगा। तो अभी मैंने क्या कौन सा बताया आपको, जो भी समय दिया रहेगा उससे क्या करना आपको, वर्ष में कन्वर्ट करना। यहां पर देखिए 18 माह है, तो इसे क्या करिए, वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 18 माह है ना, इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपको, 12 से भाग दे। आप काट के चाहे छोटा कर सकते हैं, या आप इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, यानी ये वर्ष में आपका कन्वर्ट है। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, या इसको इसी तरह से रहने दें। अब देखिए पूछा कि आपसे SI का मान पूछा है, तो यहां से देखिए मूलधन आपको पता है 4000 है, और यहां से दर कितनी दी गई है 12%, और समय कितना है आपको पता चल गया 18/12, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, पूरे का बटा। अब इन सभी का कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 12 से 12 कट गया, और ये 00 से ये 00 कट गया। अब करने के इन सभी का गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाए, 18 चौको 72 मिल जाएगा। और देखिए ये 0 बचा भी, तो आप इसके सामने क्या कर दिए, 0 आप बढ़ा, यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 720 रुपये ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे ब्याज पूछा, लेकिन कितने दिन का पूछा आपसे, 219 दिन का पूछा है। तो मैंने क्या कौनसा बताया आपको, जो भी समय दिया रहेगा उससे क्या करना आपको, वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये दिन में दिया गया, आपको ये पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते, 365 दिन होते। नॉर्मली हम लोग कितना दिन मान के चलते हैं, 365 दिन मान के चलते हैं। अब करना है कि इसमें क्या करिए, 365 से भाग, 219 में क्या करना आपको, 365 से आपको भाग देना। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, या आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब पूछा कि आपसे SI का मान पूछा है, आप यहां से कर लीजिए, मूलधन कितना ये 2500 हो गया, और दर कितनी है 5% है, समय भी आपको पता चल गया कितना है 219 हो गया, और बटे कितना हो गया 365, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। 00 से ये 00 इसका कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 से 35 हो गया, और एक इधर गया 5 से 15। अब देखिए 73 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए 25 बचा और 3 बचा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिले आपको 75 रुपये मिलेगा, यानी आप बता सकते कितना रुपया ब्याज बनेगा, 75 रुपये ब्याज बनेगा। तो सही ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया, मूलधन पता है, और ये क्या दिया है आपको, ब्याज दिया गया, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT अपान कितना होता है, ये 100 होता है, यही तो फार्मूला मैंने आपको बताया। इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या देगा आंसर, SI का मान पता है कितना दिया गया, 1080 दिया गया, और इक्वल टू P का मान आपको पता है कितना है, 3000, तो 3000 आप यहां से कर लीजिए। R का मान भी आपको पता है कितना ये 12, और टाइम आपसे पूछा गया, पूरे का बटा कितना हो जाएगा ये 100। अब इन सभी का कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं, आप T का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये 20 से इसका ये 20 कट गया, और 10 से ये कट गया, इतना क्लियर है। और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 12 में कितना हो जाएगा 108, और 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू बचा कितना, 3 वर्ष। टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 3 वर्ष। ये इसका क्या आ गया आंसर है।
तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6216 बन जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी ये क्या बता, आपको मूलधन पता है और ये इतना हो जाएगी, 8 वर्षों में राशि इतना हो जाएगी, तो ये क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया गया। क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया गया। अब ये करना कि आपको ब्याज पता करना, तो ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख लिया। अगर आपको ब्याज पता करना तो आप क्या करिए, मिश्रधन में से क्या करिए आप, मूलधन घटा दीजिए। मिश्रधन में से क्या करिए आप, मूलधन घटा दीजिए, आपको क्या पता चले, ब्याज आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। अगर इसको यहां से मैं घटा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2016 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 16 आपको मिलेगा। यानी एसआई का मान आपको पता चल गया। देखिए एसआई का मान पता है और समय भी पता है और मूलधन भी पता है। तो पूछा क्या आपसे, दर पूछी गई आपसे, क्या पूछी गई, दर आपसे पूछी गई। तो फॉर्मूला आपको पता है, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। एसआई का मान पता आप यहां से लिख लिए, 2000 कितना है, 16, इक्वल टू मूलधन कितना ये दिया गया, 4200 दिया गया। और आर का मान आपसे पूछा गया, आप इसको इसी तरह से छोड़िए, टाइम कितना दिया गया, 8 वर्ष, और पूरे का बेटा कितना आ जाएगा, 100। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से ये 00 से इसका ये 00 कट गया, इतना क्लियर है। अभी देखिए 8 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा ये, अगर इसको डिवाइड कर दूं 252 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा ये, और 252 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए करने के 42 से क्या करना, आपको इसमें भाग देना। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 6 दुना 12 हो गया और 6 × 24 कितना हो गया, 25। कितनी बार में कट जाएगा ये, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि आर का मान कितना पता चले आपको, 6% वार्षिक दर आपको पता चले कितनी है, 6% वार्षिक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 9 देखा जाए, और मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सिंपल इंटरेस्ट पर मेरी 2 से 3 वीडियो और आएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि कितना, आपसे ये पूछे, यानी मूलधन कितना, इसमें आपसे ये पूछे। यानी 5% के हिसाब से कोई राशि 6 वर्षों में इतना हो जा रही है, तो ये क्या दिया है आपको, मिश्रधन दिया गया। ये क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट आपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट होता है। अगर देखिए एक वर्ष का ब्याज 5% बना है तो अगले साल भी ब्याज कितना बनेगा, 5% बनेगा। अगले साल फिर कितना ब्याज बनेगा, 5% बनेगा। तो इस तरह से 6 वर्षों में कुल कितना ब्याज बना होगा, 5×6=30%। कितना ब्याज बना होगा 6 वर्षों में, 30% ब्याज बना होगा। कितना क्लियर है, 30% क्या बन गया आपका, ब्याज बन गया। और इसमें देखिए क्या शामिल है, अगर ये मिश्रधन है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है प्लस ब्याज शामिल है। तो जो भी मूलधन रहेगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% रहेगा। जो भी मूलधन रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा और इसमें 30% का ब्याज है। तो कह सकते ये टोटल कितना है, 130% है। क्या कह सकते ये टोटल कितना है, 130% है। इसमें 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया आपको क्या जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, 2600 में क्या करिए, 130 से आप भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए आप, गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो आपको क्या जाएगा, आंसर देगा कि 0 से 0 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 13 दोनों कितना हो गया, 26 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाएगा, 2000 मिले। यानी बता सकते कि मूलधन कितना है, 2000 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों का गुणा करना है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज काउंटेंट होता है। तो 6 वर्ष में कुल ब्याज कितना बन जाएगा, 30%। और ये क्या मिश्रधन है, इसमें मूलधन भी शामिल है प्लस ब्याज भी शामिल है 30%। तो जो भी मूलधन अपने आप 100% है और इसमें 30% ब्याज शामिल, कह सकते ये टोटल 130% है। क्या इसमें 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपका क्या जाएगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का इतना हो जाएगा, यानी ब्याज होगा, यानी मूलधन का ब्याज इतना हो जाएगा, इतना गुना हो। अगर हम लोग मान लें कि माना मूलधन कितना है, 100 रुपए है, हम लोग मान लें कि माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है, तो आप यहां से लिख लीजिए 100 रुपया। आप लिख लीजिए जो ब्याज हो रहा है 10 वर्षों का, जो ब्याज हो रहा है उस धन का कितना हो जा रहा है, इतना 2/5 हो रहा है। तो आप यहां से एसआई लिख सकते हैं, एसआई कितना हो रहा है, मूलधन का कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। तो आप इसका क्या करिए, 2/5 आप निकाल,
दो बटे पांच आप निकालिए, इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो दो बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 40 रुपए ब्याज। देखिए आपको क्या पता चल गया, मूलधन भी पता है और ब्याज भी पता चल गया और समय भी पता है। तो पूछा कि आपसे दर पूछी गई, यानी आर का मान आपसे पूछा गया, तो फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा आंसर, एसआई का मान कितना दिया गया, 40 दिया गया। तो यहां से ये 40 हो गया और मूलधन कितना है 100 रुपए, और यहां से दर का मान पूछे यानी आर का मान हमसे पूछा गया, टाइम कितना दिया गया 10 वर्ष दिया गया, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। देखिए 100 से 100 कट गया और 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट गया, तो आर बराबर यहां से कितना आ गया 4% वार्षिक, यानी दर हमको पता चली कितनी है 4% वार्षिक। जी इसका क्या आ गया आंसर, आ गया इसका आंसर कितना आ गया 4% वार्षिक। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में, यानी दोनों की साधारण ब्याज क्या है बराबर है। अगर दोनों की साधारण ब्याज बराबर है तो आपको फार्मूला पता है, एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, ये तो फार्मूला होता है। अब देखिए यहां से एक फार्मूला और हो जाएगा इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, ठीक है, सेकंड वाले के लिए फार्मूला हो जाएगा, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा PRT/100 कितना हो जाएगा 100। देखिए इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि दोनों के साधारण ब्याज क्या है बराबर, अगर दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि दोनों के साधारण ब्याज क्या है बराबर है। तो आप करना है इसमें रख के वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए, इसमें क्या करना आपको वैल्यू रख के सॉल्व करिए। देखिए पहले वाला कितना मूलधन कितना है 8000, तो आप इसमें रखिए 8000 हो गया 8000, और दर कितनी दी गई पहले वाले के लिए 3% है, और पहले वाले में क्या पूछा हमसे टाइम पूछा गया कितने समय में, तो टाइम का मान हमसे पूछा गया और बटा कितना हो गया 100 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करना, सेकंड वाले के लिए लिखना है, तो इसमें मूलधन कितना है 6000 रुपए, 6000 रुपए, इतना क्लियर है, और दर कितनी दी गई 4% दी गई, और इसमें टाइम भी आपको दिया गया सेकंड वाले में कितना है 5 वर्ष, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन करके क्या करना आपको, टी का मान आपको निकालना। देखिए 100 से 100 कट गया, देखिए 3 जीरो से इसका ये 3 जीरो कट गया, इतना क्लियर है। अब करना कि इसका कैलकुलेशन करिए, अगर इसको यहां से डिवाइड कर दू तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दू 2 बार में कटेगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट गया, तो टाइम इक्वल टू बच कितना गया 5 वर्ष, टी इक्वल टू कितना गया 5 वर्ष, आपका ये क्या गया आंसर है। दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, तो मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को भी आपस में बराबर कर लिया और वैल्यू रख लिया और इसको सॉल्व कर लिया, और आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है, यानी इतने रुपए बनती है, और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो वह धनराशि है, इसमें आपसे ये पूछे यानी मूलधन आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर 2 वर्षों में इतना हो जाए तो क्या दिया आपको, मिश्र धन दिया गया, ये क्या दिया आपको मिश्र धन दिया गया, ठीक है, यानी इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है 2 वर्षों का, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए क्या दिया गया, 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है 2240 रुपए दिया गया, आप यहां से लिख लिए 2240 रुपए। अब देखिए फिर क्या कहा गया, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी ये क्या मिश्र धन है, तो आप यहां से कर लीजिए 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जा रहा है, ये 2600 रुपए हो रहा है, इतना क्लियर, 2600 रुपए हो रहा है। और पूछा क्या हमसे, मूलधन हमसे पूछा गया, तो आपको ये पता कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो करना कि आप इसको सबसे पहले आप इसको यहां से घटाइए, कितना मिल जाएगा आपको 3 वर्ष मिलेगा, कितना मिलेगा 3 वर्ष आपको मिलेगा, और इसको यहां से घटाइए, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 360 रुपए मिलेगा, यानी आपको ये पता चल गया कि 3 वर्ष का SI, यानी 3 वर्ष का SI कितना पता चलेगा आपको, साधारण ब्याज कितना पता चलेगा 360 रुपए। अभी मैंने क्या बताया आपको, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट, अगर 3 वर्षों का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए क्या करें, इससे क्या करना आपको भाग दे, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 1 वर्ष का SI आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा 120 रुपए, कितना हो जाएगा 120 रुपए होगा 1 साल का ब्याज। अब देखिए इसमें क्या शामिल है, इसमें क्या शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है, जबकि हमको पता चले कि 1 वर्ष का ब्याज कितना 120 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 220 रुपए होगा कि नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट, अगर 1 साल इतना ब्याज बना है तो फिर अगले साल इतना ही ब्याज बनेगा, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 240 रुपए हो जाएगा।
दो वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, आप इसका डबल के लिए कितना हो जाएगा 240 रुपये। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि इसमें देखिए मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। ब्याज मुझे पता चल गया, अब करो कि इसमें से ब्याज घटा दो। अगर इसमें से ब्याज घटा दो तो मुझे क्या पता चलेगा, सिर्फ मूलधन पता चल जाएगा। यानी आप बता सकते कि वो राशि कितना है 2000 रुपये, यानी मूलधन आपको पता चल गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप करेंगे कि अगर एक वर्ष का ब्याज है ना, आप इससे भी निकाल सकते हैं। एक वर्ष का ब्याज इतना है तो इसमें देखिए क्या शामिल है, 5 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। आप एक वर्ष का ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का ब्याज पता करें कि इसमें क्या करें, 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें से घटा लीजिए, तो अभी आपको मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद इतना 1200 रुपये और 7 वर्ष बाद 1500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में था सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सॉल्व हुआ। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 15 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा होगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपये तथा 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। इसमें हमसे क्या पूछा गया, इस बार दर हमसे पूछी गई, वार्षिक दर हमसे पूछी गई। इस बार हमसे क्या पूछा, आर का मान पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, 2 वर्ष का मिश्रधन इतना दिया गया और 5 वर्ष का मिश्रधन इतना दिया गया। तो हम लोग क्या कर सकते, मूल दर पता कर सकते, पता कर सकते किसी तरीके से, तो आप कर लीजिए यहां से, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया आपको, 2520 रुपये दिया गया। इतना क्लियर है। अब देखिए नीचे क्या है, 5 वर्षों का मिश्रधन कितना, 2700 रुपये। आप यहां से कर लिए, 5 वर्षों का मिश्रधन कितना, ये 2700 रुपये। अब करना है कि आप इसको यहां से घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 3 वर्ष मिल जाएगा। और इसको भी आप यहां से घटाइए, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 मिलेगा। यानी 3 वर्ष का ऐसा ही आपको पता चल गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 180 रुपये। तो मैंने क्या आपको बताया, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो मुझे क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज पता करना, इससे क्या करें आप इसमें भाग दीजिए तो 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो आप यहां से कर लिए, 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया, 60 रुपये, कितना गया, 60 रुपये आ गया। अब देखिए इसमें क्या शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और क्या मूलधन शामिल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए आप इसमें क्या करिए, डबल करिए, इसका डबल करिए कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अब 120 रुपये आप इसमें से घटा दीजिए, आपको क्या पता चलेगा, मूलधन आपको पता चलेगा। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2400 रुपये आपको मिलेगा। यानी मूलधन आपको पता चले कितना है, 2400 रुपये। अब देखिए मूलधन आपको पता है और ब्याज भी पता है 2 वर्ष का, और टाइम भी पता है, और पूछा कि आपसे आर का मान पूछा है। तो फार्मूला आपका यही होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। यही तो फार्मूला होता है। देखिए इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है, टाइम भी पता है और आर का मान हमसे पूछा, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो एसआई, एसआई का मान कितना गया, 2 वर्षों का ब्याज इतना आ गया, कितना है, 120 रुपये। 120 कर लीजिए और मूलधन आपको पता चले कितना, ये 2400 रुपये। इतना क्लियर है। आर का मान पूछा, टाइम कितना है पता है, 2 वर्ष, तो आप इसमें 2 आप रख लीजिए और पूरे कपड़ा कितना कर लीजिए, 100 कर लीजिए। अब देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, इसको यहां से डिवाइड कर दो, दोबारा कम 12 हो गया और ये 12 दिन कितना हो गया, 24 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 4 बच गया। 4 में क्या करना आपको, 10 से भाग देना है। 4 में क्या करना है, इसको भाग देकर छोटा कर सकते हैं, 5। 5 का क्या करना है आपको, आधा करना है, तो कितना मिल जाएगा, 2.5 मिलेगा, 2.5 कितना मिल जाएगा, 2.5। यानी आप बता सकते हैं कि दर आपको कितना पता चलेगी, 2.5% है। तो सी ऑप्शन का इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी सिंपल इंटरेस्ट पर मेरी 2 से 3 वीडियो और आएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।